सो गाइस वीवो लेकर के आ गया अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो X50 एंड वीवो X50 Pro। और आज हम बात करने वाले हैं वीवो X50 के बारे में, आपके यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो गाइस इसकी सारी डिटेल हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या है इसका असली सच, सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या ये OnePlus Nord से बेहतर है या नहीं, आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त आयुष, आप देख रहे हैं अनबॉक्स इट। चलिए गाइस, तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप पहले जाकर के इस वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं इस वीवो X50 के बारे में। तो गाइस इसकी जो मेन मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, तो गाइस इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है कैमरा। गाइज वीवो ने इस बार अपने X50 एंड X50 Pro दोनों के अंदर कैमरा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि वीवो ये बात जानता है कि आजकल लोग कैमरा के दीवाने होए पड़े हैं। और वीवो X50 Pro में अगर आपने नोटिस किया हो तो गिम्बल कैमरा का सपोर्ट है, जो कि गिम्बल अगर कैमरा के लिए हम खरीदते हैं तो वो बहुत महंगा आता है। तो कैमरा के फ़ोन के अंदर ही इनबिल्ट गिम्बल का सपोर्ट देना है बहुत ही बढ़िया बात है, और अभी तक किसी भी स्मार्टफोन कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी अपने स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो ये काबिलियत तारीफ बात है वीवो की तरफ से। पर कैमरा हर चीज़ नहीं होती है, इसलिए आज हम इस वीवो X50 का सच जानेंगे। तो अगर मैं इसकी अच्छी बातें बताना चाहूँ तो वो है इसका कैमरा। कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक कि 3 LED फ्लैश का सपोर्ट इसमें दिया गया है। और अगर हम इसके 4 quad कैमरा जो सेटअप है इसका रियर कैमरा, इसकी अगर हम बात करें तो प्राइमरी लेंस है 48 मेगापिक्सल का सोनी का नए वाला IMX598 सेंसर, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है सुपर वाइड एंगल जो है 8 मेगापिक्सल का 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ, और जो थर्ड कैमरा है वो है एक ट्रू डेप्थ सेंसिंग कैमरा जो पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए वीवो ने डाला है, और वो है 13 मेगापिक्सल का, तो बहुत ही बड़ा कैमरा है सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के लिए भी। और जो फोर्थ कैमरा है वो है मैक्रो लेंस 5 मेगापिक्सल का जो काफी अच्छे शॉट्स लेता है। तो ये तो हो गई कैमरा की बात, कैमरा में बहुत ज्यादा जोर दिया है। फ्रंट कैमरा भी इसका 32 मेगापिक्सल का है जो काफी अच्छी फोटोज क्लिक करता है। और गाइज दूसरी चीज इसकी जो सबसे बढ़िया है वो है इसकी डिस्प्ले। गाइज इसके अंदर 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली सुपर एमोलेड FHD+ रिजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले वीवो ने डाली है, तो डिस्प्ले क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस स्मार्टफोन की। पर 35,000 प्राइस, इसका जो प्राइस वीवो ने 8GB 128GB वाले वेरिएंट के लिए दिया है 35,000 रुपीज़, वो प्राइस सेगमेंट पे हमें काफ़ी स्मार्टफोन्स में मतलब 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को भी मिल जाता है। और गाइस जो एक और सबसे अच्छी बात है इस स्मार्टफोन की वो ये है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। 4200mAh की बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर जो है वीवो इस स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में पैक करके आपको देता है, तो बैटरी कैपेसिटी ओवरऑल काफ़ी सही है। तो चलिए इसके नुकसान की बात कर लेते हैं, क्या है इसके नुकसान जो मुझे पर्सनली फील हुए इस प्राइस पॉइंट पे। तो गाइज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम इसके सारे नुकसान के बारे में अब हम बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G भी नहीं है, सिर्फ 730 लगा करके वीवो ने इस स्मार्टफोन में दिया है 35,000 के प्राइस पॉइंट पे। अगर आप दूसरे फ़ोन देखें जैसे कि OnePlus 70 या फिर Redmi K20 Pro भी और Realme X3 जो अभी नया आया है, उन सब में Snapdragon 855+ हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि 730 से तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। तो गाइज आप ये चीज़ को नोटिस ज़रूर करना कि प्रोसेसर में ये मात खा जाएगा, मतलब आपको गेम भी अगर खेलना है जैसे कि पबजी मोबाइल तो आपको एक सेटिंग कम में खेलना पड़ेगा। बाकी मैं इसके लिए एक पबजी का एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें पबजी का हम टेस्ट करेंगे इस स्मार्टफोन का। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं, मैं ज़रूर इसके लिए एक पबजी पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और गाइज इसकी एक और बात मुझे बेकार लगी, जो वो ये है कि इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं वो सिर्फ सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर का इसमें सपोर्ट नहीं दिया है। इस प्राइस पॉइंट पर ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिल जाएंगे जिनमें स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है और जिनकी आवाज़ भी काफ़ी बेहतरीन है। मैंने इसकी आवाज़ चेक करी है, आप सुनकर बताइए मुझे कि इसकी आवाज़ आपको कैसी लगी।
ओवरऑल इसका डिजाइन प्रीमियम है, स्लिम फोन है, हैंडी फोन है, काफी अच्छा लगता है, लुक आपको बहुत अच्छी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। पर हम प्रोसेसर और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ 35,000 के प्राइस पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेंगे। सिर्फ कैमरा के लिए अगर हम इसे स्मार्टफोन को खरीदें तो यार वो बेवकूफ़ी होगी कि सिर्फ कैमरा के लिए आप 35,000 रुपए खर्च करें, और उसमें भी आपको अच्छे कैमरा वाले स्मार्टफोन 35,000 में बहुत आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि OnePlus Nord से अच्छा है या नहीं, तो गाइस OnePlus Nord को मैं इससे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सिर्फ कैमरा सब कुछ नहीं होता, OnePlus में भी क्वाड कैमरा सेटअप दिया है इस बार, बैक में अभी वो आया नहीं, तो कैमरा का हम कंफर्म नहीं बता सकते कि उसका कैसा होगा। तो गाइज आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना और सोच समझकर इस स्मार्टफोन के लिए अपना फैसला लेना। तो चलिए गाइज मुद्दे की बात करते हैं कि क्या हमें ये स्मार्टफोन 35,000 रुपए के प्राइस में लेना चाहिए या नहीं। तो गाइज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि या तो आप थोड़ा वेट करो और इसको तो 35,000 रुपए में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इससे अच्छा आपको OnePlus 7T मिल जाएगा, Realme X3 मिल जाएगा, और भी बहुत सारे अच्छे कैमराज और अच्छी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। पर 35,000 में ये फ़ोन बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका प्राइस होना चाहिए था 20,000 से 25,000 जिस हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आपके क्या व्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सबको ये बात ज़रूर बताना, इसका असली सच आप तक पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश करी। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे लाल कलर का बटन है, मुझे नहीं पता, बस उसे जा करके दबा दो। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।